एसीसी एग्ज़ाम के जब भी आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि जो भी जनरल नॉलेज या फिर ह्यूमैनिटीज सेक्शन का पोर्शन होता है, उसमें हमेशा क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने स्टार्ट करा है ये नया जनरल नॉलेज के 30-30 क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हम इस वीडियो सीरीज़ का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। इसमें हम आपको वन लाइनर्स फॉर्म में जीके कवर करवाएंगे आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यूसली। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे यही डिमांड करूंगा कि जो चीज़ें बताई जाएंगी, जो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, बिकॉज़ जब आपका एग्ज़ाम पास में हो तो आपको बिल्कुल भी जनरल नॉलेज की टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। पहली बात यह है, व्हेन डिड वास्को दी गामा केम टू इंडिया। तो वास्को दी गामा जो जिन्होंने इंडिया की खोज करी थी, ये एक यूरोपियन थे, पोर्तुगीज़ थे बेसिकली। ये आए थे 1498 में इंडिया में सबसे पहले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, वेयर वाज वास्को दी गामा सपोज टू। तो ये बैच जैसे कि मैंने बताया पोर्तुगीज़ थे, तो ये पुर्तगाल कंट्री से बिलोंग करते थे। और एक चीज़ और फैक्ट इनके बारे में मैं बता दूं, पोर्तुगीज़ एक ऐसे कम्युनिटी थी या फिर पोर्तुगल नेशन के जो लोग थे, ये ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले एंट्री करी है और सबसे लास्ट में। बाय द वे, हमें ज़्यादातर यही लगता है कि ब्रिटिशर्स ने हम पे राज करा है, बट आपको पता होगा 1963 में जो वॉर हुई थी, गोवा लिबरेशन वॉर, ठीक है, तो उसमें क्या था, पोर्तुगीज़ को ही हमने निकाला था इंडिया से। तो खुद सोचिए कि 1498 में वो आए थे और 1963 में वो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेयर इज़ हवा महल लोकेटेड, ठीक है। तो हवा महल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ जयपुर जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा हवा महल, ठीक है। उसके बाद विच सिख गुरु इज़ द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, तो गुरु नानक देव जी जो हैं वो फाउंडर हैं सिख रिलीजन के। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ सिक्स। उसके बाद में है व्हाट इज़ ए ग्रेट मैन कॉल्ड, तो आयरन मैन कहा जाता है, और ये किसको कहा जाता है जो कि इंडिया की फेमस पर्सनैलिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। विच ग्रेट लीडर इज़ कॉल्ड नेताजी, तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनको नेताजी के नाम से पुकारा जाता था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ समाधि ऑफ दिल्ली बेस्ड लाल बहादुर शास्त्री, तो इनकी समाधि का जो नेम है वो क्या है, विजय घाट, ठीक है। उसके बाद में हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ महाभारत, तो महर्षि वेदास जो है ये आर्किटेक्ट है महाभारत के। हु रोट द बुक कॉल्ड इकोनॉमिक्स, तो चाणक्य जी ने ये कौटिल्या जी ने लिखी थी। उसके बाद व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो ये टाइगर है इंडिया का नेशनल एनिमल। व्हाट इज़ द नेशनल वर्ड ऑफ इंडिया, तो नेशनल वर्ड जो है पीकॉक है इंडिया का। एंड विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक स्पीशी ऑफ इंडिया, तो गंगा की जो डॉल्फिन है ये नेशनल एक्वेटिक स्पीशी है इंडिया की। और जो इंडिया का नेशनल फ्रूट है वो है मैंगो कॉमन। उसके बाद नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया ये है लोटस। एंड नेशनल ट्री ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये है बनियान का ट्री, ठीक है। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, हॉकी है नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियाज़ फ्लैग, तो इंडिया का फ्लैग जैसे कि मैं आपको रैंडम ड्रॉ करके थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, इस तरह से इंडिया का फ्लैग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशो क्या है, 3:2 है, तो यही आपका आंसर रहेगा, 3:2 है लेंथ एंड ब्रेथ की। अगर ब्रेथ एंड लेंथ की बोलेंगे तो 2:3 हो जाएगी फिर रेशो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा था। उसके बाद व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूजन रहती है वंदे मातरम और जनगण मन में, तो नेशनल एंथम जो है वो है हमारा वंदे मातरम। तो नेशनल
जो भी नेशनल ट्री हो गया, नेशनल एनिमल हो गया, ये सारे आपको चीज़ें, ये बेसिक्स हैं, ये आना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ ये कोई ना कोई एक चीज़ पूछी जाती है वहाँ पे ACC के एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद में मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो सीरीज जो हमने जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट करी है वन लाइनर्स की, आपको अगर हेल्पफुल लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि और किस किस टॉपिक पे आपको मेनली वीडियो लेक्चर्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये दिया था स्लोगन, ठीक है। एंड हु इज़ द परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हु वॉज द, तो परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने एक असेंबली टाइप कुछ ग्रुप ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ का बनाया था, ठीक है। उसके बाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे वो, भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो रेड क्रॉस डे इज़ सेलिब्रेटेड हमेशा हर साल 8 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में विच कंट्री इज़ फेमस फॉर द फेमस एज द कंट्री ऑफ सनराइज़, तो जापान जो कि ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है उसमें सबसे पहले सनराइज़ करता है, तो इसीलिए इट इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ सनराइज। ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड, तो ये अभी कल ही हुआ है 8 मार्च। मैं डेज़ के क्वेश्चंस हमने इसमें कंपाइल करके रखे होते हैं क्योंकि डेज से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में आपके लिए मैं एक होम असाइनमेंट देता हूँ कि आप मुझे बताएं कि जो फेमस फेस्टिवल तमिलनाडु स्टेट का कौन सा है, ठीक है। देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को पता है, बिकॉज ये फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था। उसी तरह से ओनम जो कि फेमस फेस्टिवल है, ये किस किस कौन सी स्टेट का है, ये केरला स्टेट का है। व्हेन दिल्ली बिकेम नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, 1911 में दिल्ली नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, तो विनस जो है इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। तो जैसे GK की तो आपकी तैयारी हम लोग उसकी पूरी आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूसली प्रोवाइड हम कर रहे हैं, बट बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको अगर गारंटेड सेलेक्शन चाहिए और टॉप 500 की आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नया बैच मार्च में जो है स्टार्ट हो रहा है ACC 131 कैंडिडेट्स के लिए और 132 के कैंडिडेट्स के लिए भी। इस कोर्स का मेन बेनिफिट आपके लिए ये रहेगा कि जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको उसी टाइम फुल PDF नोट्स न्यू पैटर्न के मिलेंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर रहेंगे। और सब्जेक्ट्स के जो है आपको ज्वाइन करते टाइम ही पूरे PDF नोट्स मिलेंगे। PDF नोट्स के साथ साथ में आपको हम वहाँ पे पूरी थ्योरी, MCQs, वन लाइनर सब कुछ A to Z इसमें कवर करके आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि सारी चीज़ें आपको PDF नोट से नहीं समझ आती, जैसे सपोज़ करिए आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग होगा, मैथमेटिक्स हो गया या फिर साइंस का कुछ पोर्शन हो गया, तो इसलिए हमने इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए हैं। वो जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उनसे आपको ये एडवांटेज रहेगा कि आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, उनको जब भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब आपकी जैसे ड्यूटीज़ काफ़ी हेक्टिक रहती हैं, उसी का हमने ये सोल्यूशन लाया कि आपको रिकॉर्डेड जो है क्लासेस दी जाएंगी और डेली लाइव क्लासेस जो हैं डाउट के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। और जो जो हम आपको पढ़ाएंगे हर वीक में आपका वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स भी आपको मिलेंगे, उसमें उसके वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे एंड एट द सेम टाइम उसके PDFs भी आपको मिलेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए हमें अभी क्या अभी व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, और अभी हमारे एप्लीकेशन पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल रहा है। शिवरात्रि का जो ऑफ़र है वो 8 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 10 तारीख तक चलेगा, 10 मार्च तक। तो जो भी कैंडिडेट्स
चाहते हो, चाहे रिकॉर्डेड SSB कोर्स लेना या फिर ACC 131 का कोर्स, या फिर दोनों ACC 131 और 132 का कोर्स का एक कॉम्बो आता है वो ले सकते हैं आप, या फिर बुकलेट्स आप ACC के मंगवाना चाहते हैं तो अभी के अभी ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन ओपन करके कोर्सेज सेक्शन में जाके आप ये सब अवेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड रिटन इस तरह के आपको नोट्स मिलेंगे, इस तरह से आपकी क्लासेज रहेंगी, पर्सनली टीचर्स आपको पूरा A to Z गाइड करेंगे। कोई भी आपको अगर डाउट आता है तो एनी टाइम यू कैन इवन कॉल योर टीचर्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आई एम थैंकफुल फॉर योर पेशेंस एंड कॉपरेशन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।